हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने राजस्थानी स्कूल की फ़र्स्ट पेंटिंग की थी, मारू रागनी ए, जो कि आर्टिस्ट साहिब दीन ने बनाई थी। हमने ये वाली पेंटिंग की थी। तो ये जो पेंटिंग है, ये एक सीरीज़ पे ये पेंटिंग सीरीज़ पे बनी हुई है। ये अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग एपिसोड में बनी हुई है। तो इसमें ये कपल है, जो ये जो मेल फिगर है, ये ढोला है और ये मारू है। दोनों कपल के नेम हैं। इन्हीं की लव स्टोरी पे ये पेंटिंग की जो सीरीज़ है वो पेंट की गई। हमने मारू रागनी ए कर ली थी। अब आज इस वीडियो में हम करेंगे मारू रागनी बी। एंड दिस इज़ मारू रागनी बी पेंटिंग। ये भी सीरीज़ का बी, ये पेंटिंग जो हमारी सीरीज़ थी उसका बी पार्ट है। तो ये भी आर्टिस्ट ने ही पेंट की थी। पेंटिंग का नेम है मारू रागनी बी। आर्टिस्ट वही है साहिब दीन। इसने ये पेंटिंग बनाई थी। स्कूल ये मेवाड़ में ही बनी थी। पीरियड 1660 AD, इसका टाइम पीरियड है जब ये पेंटिंग बनी थी। साइज़, पेंटिंग का साइज़ क्या है, 23.5 × 17 cm। मीडियम है, मतलब कौन सी मीडियम में बना है, पेपर वाटर कलर, मतलब वाटर कलर के साथ ये पेपर पे बनी पेंटिंग है, टेम्परा टेक्निक से, जो कि वाटर कलर की ही टेक्निक है। इस पेंटिंग की अभी लोकेशन, मतलब इस ये पेंटिंग अभी कहाँ पे है, वो है नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर बताना होता है कि इस पेंटिंग में है क्या, एंड उसके बाद हमने इस पूरी पेंटिंग की जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट मैटर। This painting is based on Ragini Maru visual depiction of an Indian musical sung to Aizenet's sensuality and passion of love manifest visually in a good complexion and gold visual made who when at her evening meeting toward the end of Himanta, the early half of winter, kisses her beloved. This Maru Ragini is essentially a part of Samhoga Shringara. This love story of Dhola Maru is very popular in Rajasthan and is narrated both in mural and miniature painting. So, यहाँ पे इन्होंने अपने सब्जेक्ट पैटर्न में बताया है कि जो ये पेंटिंग है मारू रागनी बी, ये मारू रागनी पर बेस्ड है ये पेंटिंग, जो एक इंडियन म्यूज़िकल को डिपिक्ट करता है। मतलब कि मारू रागनी जो है ये हमारा, मतलब एक लव स्टोरी है, बट पुराने टाइम में इसको एज अ गाया जाता था लव को स्प्रेड करने के लिए, ताकि आगे लव को स्प्रेड किया जा सके। तो इसी की स्टोरी पे जो पेंटिंग्स है वो बनाई गई है। मतलब ये जो पेंटिंग है ये इंडियन म्यूज़िक को डिपिक्ट करती है, एंड ये हमारे जो इंडियन का पुराना म्यूज़िक था उस पर ये बेस्ड है। ये जो इससे रिलेटेड जो भी सॉन्ग वगैरह गाए जाते हैं वो सिर्फ लव को स्प्रेड करने के लिए गाए जाते हैं। और ये ढोला मारू की लव स्टोरी है। मतलब कि ढोला मारू, ढोला है मेल फिगर, मारू है फीमेल फिगर, इनके नेम है ढोला मारू। इनकी राजस्थान में उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर एक लव स्टोरी रही है जिस पर यह पेंटिंग बनी हुई है। और एक बात और कि ये पेंटिंग पेपर पे तो बनी ही है और म्यूरल्स पे भी बनी है। मतलब कि म्यूरल्स पे ये पेंटिंग बनी है, मतलब दीवारों पे ये पेंटिंग बनाई गई है, अलग अलग एपिसोड में नरेट की गई है। मतलब जैसे हम एक फिल्म को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके दिखा सकते हैं, जैसे सीरियल हो गया, वैसे ये पेंटिंग है जो सीरीज़ में बनाई है। जैसे हमने पीछे मारू रागनी ए की थी और ये है मारू रागनी बी। और ये म्यूरल्स मतलब दीवारों पे भी बनी हुई है, और ये मिनिएचर पेंटिंग मतलब पेपर पर भी बनी हुई है, छोटे साइज़ की ये पेंटिंग है। डिस्क्रिप्शन, दिस पेंटिंग हैज़ टू पार्ट्स। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर एंड लोअर। आप देख सकते हो ये वाला सीन अलग है एंड ये वाला सीन अलग है। इन द अपर पार्ट बोथ नायक एंड नायिका आर सीटिंग ऑन कारपेट अ येलो कनोपी विद अ रेड कर्टन, ढोला रेड कर्टन। इस पेंटिंग में इन्होंने दिखाया है कि नायक एंड नायिका जो है एक कारपेट पे बैठे हुए हैं। देखो ये कारपेट है, या इसके ऊपर ये बैठे हुए हैं। कारपेट पर फ्लोरिकल डिज़ाइन है, मतलब फ्लावर बने हुए हैं।
और ये एक कनोपी के अंडर बैठे, मतलब कि ये एक कनोपी है जिसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको छत्र भी बोलते हैं। जैसे राजा महाराजा के सिर के ऊपर होती है ना कनोपी, वो चीज़ है, येलो कलर की कनोपी है, एज अ प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ करते थे। और इसके पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो रेड कलर का कर्टन लगाया हुआ है। तो दो मेल एंड फीमेल फिगर है, ढोला एंड मारू, नायक एंड नायिका, मतलब हीरो एंड हीरोइन कारपेट पर बैठे हैं। इनके ऊपर कनोपी है येलो कलर की एंड बैकग्राउंड में रेड कर्टन दिखाया हुआ है। ढोला इज़ ड्रेस्ड इन टिपिकल एरिस्टोक्रेटिक अटायर कंप्लीट विद वेपन्स लाइक स्वॉर्ड एंड शील्ड, फेसिंग हिज लवर मारू इन राजस्थानी कॉस्ट्यूम। यहाँ पे जो ढोला दिखाया है, जो मतलब मेल की फिगर है, उसने अपनी अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई है और उसी के साथ उसने अपने वेपन्स जो है कैरी किए हुए हैं। जैसे ये शील्ड है एंड ये स्वॉर्ड है, मतलब तलवार है, और वो अपनी जो नायिका है उसको फेस कर रहा है। जो नायिका है उसने राजस्थानी स्टाइल की टिपिकल ड्रेस वेयर की हुई है, घाघरा एंड चोली विद ट्रांसपेरेंट दुपट्टा। वी कैन सीन बोथ आर ऑफरिंग फ्लावर एंड अ कप ऑफ ड्रिंक टू ईच अदर। इस पे हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को फ्लावर एंड जो उनके हाथ में कप है, कप ऑफ वाइन कह सकते हो, कुछ भी है, वो एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं। ऑन द बोथ साइड्स वी कैन सी अ बिग ट्री विद डिफरेंट लीव्स एंड फ्लावर्स। दोनों के साइड में, इसके साइड में एंड इसके साइड में हम देख सकते हैं कि अलग अलग ट्री हैं जिनके अलग अलग लीव्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पे ये देखो, ये अलग है एंड ये वाला अलग है, इसके लीव्स जो हैं वो अलग दिखाए हैं एंड इसके अलग दिखाए हैं। ये हो गया हमारा अपर पार्ट। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे एक पॉट भी रखा हुआ है। इन द लोअर पार्ट ऑफ पेंटिंग द ट्रेडिशनल नायिका द आर्टिस्ट सीक्स मारू हु नेदर किसेस नॉर रशेस टू हर लवर ढोला बट इज़ रादर देयर लॉयल कैमल विद ब्रिंग्स ढोला टू मारू। यहाँ पे लोअर पार्ट में एक अलग सीन है। यहाँ पे मतलब उसकी ना एक सर्वेंट दिखाई हुई है, जब ढोला आता है मारू को मिलने के लिए, वो कैमल पे राइड करके आता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो उसकी सर्वेंट है उसको वो एक लीज खिला रही होती है ताकि वो सही तरह से ढोला को मारू तक पहुंचा सके, मतलब कि हीरो को हीरोइन तक पहुंचा सके। ढोला हैज़ अराइव्ड एज द कैमल इज शोन इन द पार्ट। द कैमल इज प्रेजेंट रिप्रेजेंट द अराइवल ऑफ ढोला। शी ऑफर टू कैमल द पान द बेटल लीफ एंड इज ऑफ फीडिंग द कैमल विद फ्रेश ट्रीफ लीव्स फॉर इधर नोबल डेट टू कैरी ढोला टू मारू। यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो कैमल है, जो ये सर्वेंट है, उसको फ्रेश लीव जो है खिला रही है, उसको पान भी खिला रही है। द कैमल इज इन डीप येलो कलर विद डेकोरेशन ऑफ इट्स बैक इन रेड एंड ब्लू कलर्स। पिंक फ्लावर कैन आल्सो बीन सीन बिहाइंड द कैमल, लाइन्स आर थिक एंड शार्प। इसमें जो कैमल का कलर दिखाया है वो येलो कलर का दिखाया है, डीप येलो कलर का दिखाया है, एंड उसके सेंटर में उसके बैक पे यहाँ पे रेड एंड ब्लू कलर के साथ डेकोरेट किया हुआ है। एंड उसके जो वेपन्स है, जैसे एरो हैं, बो है, वो भी दिखाया हुआ है। एंड उसके बिहाइंड यहाँ पे पिंक फ्लावर भी दिखाए हुए हैं। जो इस पेंटिंग की लाइन है वो बड़ी थिक है, मतलब कि जैसे ये आउटलाइन की है, काफ़ी डार्क है, काफ़ी बोल्ड की हुई है, थिक लाइन लगाई हुई है। यहाँ पे देखो, जैसे आउटलाइन की है, बहुत थिक लगाई हुई है। रेड ऑरेंज येलो ब्लैक एंड डार्क ग्रीन कलर आर यूज्ड इन बोथ पार्ट ऑफ पेंटिंग। दोनों पार्ट्स में, पेंटिंग के दोनों पार्ट्स में रेड ऑरेंज येलो ब्लैक एंड डार्क ग्रीन कलर जो है वो यूज़ किया है। ओनली लाइट ग्रीन कलर कैन बी सीन इन अपर पार्ट ऑफ पेंटिंग। सिर्फ अपर पार्ट में लाइट ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ है। दिस इज़ द बेस्ट नाउन रागमाला फ्रॉम मेवाड़ एंड वॉज पेंटेड बाय साहिब दीन। ये रागमाला की बेस्ट पेंटिंग है मेवाड़ स्कूल की, जिसको साहिब दीन ने पेंट किया। इस पीपल मनोहर आल्सो पेंटेड सच रागमाला सीरीज़। साहिब दीन का जो स्टूडेंट था मनोहर, उसने भी ये रागमाला सीरीज़ को पेंट किया है। द अर्ली मुगल इन्फ्लुएंस ऑन मेवाड़ पेंटिंग कैन बी सीन इन दिस पेंटिंग।
मतलब कि इस पेंटिंग में जो हमारा स्टार्टिंग का मुगल का इन्फ्लुएंस था, मुगल का जो इफेक्ट था, उनके टाइम की जो आर्ट थी वो इस पेंटिंग में देखी गई है। कहाँ पे, जैसे ये ढोला है, इसने जो अपनी कैप वेयर की है वो मुगल स्टाइल की ही है। आप देख सकते हो कि अकबर ने जो कैप वेयर की है, अकबर एक मुगल था और उसने जो कैप वेयर की थी वो मुगल स्टाइल की ही थी। तो वही कैप यहाँ पे, वही टर्बन यहाँ पे इसने वेयर की हुई है। तो यहाँ पे होगी हमारी मारू रागनी बी कंप्लीट। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।